तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो के टाइटल में देखा, आज के इस वीडियो में करने वाला हूँ सोनी की तरफ से आने वाले एक बड़े ही कमाल के ऑडियो सिस्टम का अनबॉक्सिंग, रिव्यू और टेस्ट, जिसका मॉडल नेम है DSX A416BT। तो देखेंगे प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, प्रोडक्ट की बिल्ड क्वालिटी कैसी है और सबसे इम्पोर्टेंट इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, साउंड क्वालिटी कैसी है, कनेक्टिविटी कैसी है, सब कुछ। टेस्टिंग भी इसी वीडियो में होने वाला है, तो वीडियो के साथ स्टार्ट से इन तक बने रहना। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हाँ, ऐसी और कमाल की वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारा कुछ आपको दिखा देता हूँ, लेट्स गो। तो कुछ इस तरीके के बॉक्स में आता है प्रोडक्ट, चलिए फटाफट ओवरव्यू करा देता हूँ और फीचर्स वगैरह भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले ऊपर इधर सोनी की वही ब्रांडिंग, FM AM ब्लूटूथ कार ऑडियो, मॉडल नंबर DSX A416BT, एक डेडिकेटेड बॉलीवुड EQ दिया गया है जिसको बॉलीवुड सॉन्ग्स के हिसाब से ट्यून किया गया है। उसके नीचे हमारे मेन प्रोडक्ट का एक 3D इमेज कमाल का लग रहा है, थम्स अप। बॉक्स के नीचे के साइड इधर ढेर सारे फीचर्स विद लोगोस, जिनमें से आपको दिखा दूं, एक्सप्लोड 55W x 4 मैक्स पावर, दो फोन को सेम टाइम पे ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा बेस, आईपॉड USB, ऑक्स इनपुट, कलर इल्यूमिनेटर, उसके बगल में ब्लूटूथ का लोगो और नीचे एंड्रॉयड एंड आईफोन का ऐप वगैरह इसका डाउनलोड कर सकते हैं। सोनी के अदर प्रोडक्ट की तरह इसमें भी NFC हमें मिलता है। दो और चीजें दी गई हैं, जिनमें से है हमारा रिमोट कंट्रोल और एक एक्सटर्नल माइक्रोफोन। चलते हैं बॉक्स के अदर साइड, तो यहाँ पे ढेर सारी चीजें की स्टिकर पे लिखी हुई है, जिनमें से मॉडल नेम, क्वांटिटी, मैन्युफैक्चर डेट, MRPS सारी चीजें दी हुई हैं और उसके जस्ट बगल में यहाँ पे मेड इन थाईलैंड भी मेंशन है। इधर है कुछ बार कोड, सीरियल नंबर्स और यहाँ पे है हमारा सील सोनी का, तो इसको चेक करना जरूरी है। तो सील यहाँ पे देखने पे कटा सा लग रहा, पर ऐसा नहीं है, सील बिल्कुल सही है। ओके, बॉक्स के अदर साइड इधर भी वही सेम चीजें इमेज के साथ, यह है बॉक्स का बॉटम जहाँ पे सोनी की ब्रांडिंग और उसके नीचे है मॉडल नंबर, और बॉक्स के इस साइड पे भी वही सारे कुछ सेम फीचर्स विद इमेजेस। अभी आगे है बॉक्स के पीछे, यहाँ पे ढेर सारी चीजें हैं कि करके आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो सोनी की ब्रांडिंग, वही है मॉडल नंबर और इधर एक्स्ट्रा बेस, मैक्स पावर 55W x 4, वन टच कनेक्शन जो कि NFC के अंदर मिलती है, साथ ही साथ ब्लूटूथ तो है ही है। इधर काफी कमाल की चीज है, USB में सपोर्ट करेगा MP3 WMA FLAC फॉर्मेट्स और ब्लूटूथ में सपोर्ट करेगा SBC AAC कोडेक्स जो कि कमाल का है। साउंड आउटपुट अच्छा मिलेगा, 3 प्री आउट फ्रंट ऑक्स, फ्रंट USB, म्यूजिक सेंटर, इसका ऐप आप एप्पल स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ हमें इन बिल्ड जो 10 EQ सेटिंग्स मिलते हैं वो भी दिया हुआ है। उसके जस्ट बगल में स्टीयरिंग व्हील रिमोट इनपुट, क्विक ब्राउजर और एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज किसी भी कार स्टीरियो सिस्टम में, वो है यहाँ पे FM। तो ये था मेरे हिसाब से सारा कुछ बॉक्स का ओवरव्यू, अभी वक्त आ गया इसे ओपन करने का। तो चलिए फटाफट सील को करते हैं कट और कर लेते हैं इसे ओपन। तो बॉक्स हो गया है ओपन और कुछ इस तरीके से चीजें रखी हुई हैं, एक एक करके सारा कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे सोनी का एक ब्लैक कलर का केस और इसके अंदर होगा हमारा डिटेचेबल ऑडियो प्लेयर का फ्रंट पैनल। केस में थोड़ा सा डस्ट लगा है क्योंकि ये जो बॉक्स है कार्डबोर्ड का है। ओके, आगे देखेंगे इसे ओपन करके, फिलहाल आगे चलते हैं क्या क्या चीजें और बॉक्स में है। नेक्स्ट चीज जो बॉक्स में मिली है वो है एक्सटर्नल माइक्रोफोन विथ लॉन्ग लार्ज केबल। नेक्स्ट चीज ये रंग बिरंगा वायरिंग हार्नेस केबल सॉकेट। उसके बाद ये एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन मैनुअल जिसपे यहाँ पे सीरियल नंबर मैच करने के बारे में दिया हुआ है। ओके, तो बॉक्स का ये पार्टीशन हो गया है खाली, अभी इसके अंदर बाकी चीजें होंगी, कर लेते हैं इसे भी ओपन। तो अभी देखिए बाकी चीजें यहाँ पे हैं। तो ऊपर तो मुझे दिखाई दे रहा है यूजर मैनुअल, निकाल लेते हैं। तो ये है हमारा ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन, यूजर मैनुअल आप जो भी कहें, और काफी ज्यादा इसमें पन्ने हैं। प्रोडक्ट के बारे में फुल इन्फो के लिए आप इसे बिल्कुल देख सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट चीज जो बॉक्स में बची है वो है हमारा मेन स्टीरियो ऑडियो सिस्टम, निकाल लेते हैं बाहर। ये देखिए कुछ इस तरीके से कार्डबोर्ड में रखा हुआ है और अभी ये मेरे हाथ में, रखते हैं एक तरफ, देख लेते हैं बॉक्स में कुछ और चीजें मुझे दिख रही हैं। तो यहाँ पे कुछ पेपर वर्क अभी और है, ये होगा हमारा वारंटी कार्ड। जी हाँ, जैसे कि सोनी के अदर प्रोडक्ट में हमें येलो कलर का वारंटी कार्ड मिलता है, तो इसको आपको संभाल के रखना है, मैं भी रखूंगा। लास्ट चीज जो बॉक्स में है वो है कुछ इस तरीके के ब्लू कलर के पाउच में हमें रिमोट और कुछ और चीजें मिली हैं, रखते हैं एक तरफ। और ये देखिए इस बॉक्स में टोटल इतनी सारी चीजें हमें मिली थी, एक करके सारी चीजें आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हमारा ऑडियो सिस्टम, इसको इस तरीके से प्लास्टिक में अच्छे से पैक किया गया है, कर लेते हैं ओपन। तो ये हो गया ओपन, अभी निकाल लेते हैं मेन चीज को बाहर। वो
तो अभी है मेरे हाथ में ये ब्रांड न्यू सोनी का ऑडियो सिस्टम। ऊपर से जो मेटल की फिनिशिंग है कमाल की शाइनी स्मूथ लग रही है और हाथ में अच्छा खासा वेट है। चलिए फटाफट वेट स्केल करके देख लेते हैं इसका भार कितना है। तो ये देखिए 685 ग्राम्स। अभी फ्रंट पैनल इसमें लगा हुआ नहीं है जो कि बॉक्स में अलग से हमें मिला है। फ्रंट पैनल कुछ इस तरीके से यहाँ पे होगा कनेक्ट और इसमें देखिए ये है लॉक मैकेनिज्म। प्लास्टिक क्वालिटी काफी कमाल की लग रही है। यहाँ पे है कनेक्शन पोर्ट जो कि इंसर्ट हो जाएगा फ्रंट पैनल में। चलिए इसका बाकी कुछ फिजिकल ओवरव्यू करा देता हूँ। साइड की तरफ से कुछ ऐसा है, यहाँ पे इसको माउंट करने के लिए कुछ चीजें लिखी हुई हैं। अदर साइड से भी बिल्कुल सेम है। बॉटम की तरफ आपको लेके चलूं तो बड़े से स्टिकर पे वही मॉडल नेम, ब्रांडिंग, सीरियल नंबर और यहाँ पे लिखा हुआ है मेड इन थाईलैंड। तो ये मेड इन चाइना नहीं है, थाईलैंड का है। थम्सअप यहाँ पे देख सकते हैं। वेंटिलेशन के लिए जो मेटल में होल्स बने हैं वहां से दिखाई दे रहा है हमें पीसीबी ग्रीन कलर का। काफी स्ट्रांग बिल्ड लग रहा है। अभी चलते हैं पीछे की तरफ। तो पीछे सारे कुछ हमें ऑप्शन मिलते हैं कनेक्टिविटी के लिए और ह्यूज सा हीट सिंक आप देख सकते हैं। चलिए क्या क्या इनपुट आउटपुट मिलते हैं सब कुछ आपको दिखा देता हूँ। ऊपर वाला है फ्रंट ऑडियो आउटपुट, उसके नीचे है रियर ऑडियो आउटपुट और उसके नीचे है सब ऊपर ऑडियो आउटपुट। तो डेडिकेटेड सब ऊपर आउटपुट का भी ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलता है। उसके बाद यहाँ पे जो होल देख रहे हैं यहाँ पे कनेक्ट होगा हमारा एंटीना। ये ब्लू वाला पोर्ट जो देख रहे हैं ये है रिमोट कनेक्शन के लिए और जो उसके ऊपर रेड वाला पोर्ट दिख रहे हैं वहां पे कनेक्ट होगा हमारा एक्सटर्नल माइक्रोफोन। सारी चीजें यहाँ पे मेटल पे ही मेंशन भी हैं। और इधर जो स्ट्रांग सा मेटल का हिस्सा आप देख रहे हो ये हीट सिंक है जो कि काफी ह्यूज हीट सिंक है। इसमें कूलिंग काफी अच्छी होने वाली है। उससे राइट साइड में इधर फ्यूज 10A जो कि रेड कलर का आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस पे 10 लिखा भी हुआ है। ये हमारा फ्यूज और ये जो पोर्ट है वो है हमारा वायरिंग हार्टेस्ट सॉकेट जहाँ से हम स्पीकर आउटपुट और इस डिवाइस को पावर देंगे। तो ये था सारा कुछ फिजिकल ओवरव्यू इस डिवाइस का। अभी चलते हैं इसके फ्रंट पैनल की तरफ और इसे इस बॉक्स से कर लेते हैं बाहर और देख लेते हैं, कर लेते हैं इसे ओपन कुछ इस तरीके से। और ये देखिए कितने कमाल के तरीके से यहाँ पे रखा हुआ है परफेक्टली और डिजाइन अमेजिंग है। निकाल लेते हैं बाहर कि इसकी प्लास्टिक की क्वालिटी काफी स्ट्रांग है, अच्छा है सेफली इसको वापस रखने के लिए। तो ये है कमाल का डिटैचेबल फ्रंट पैनल जिसमें सारे कुछ बटन कंट्रोल आपको मिलेंगे और इसमें ही LED डिस्प्ले भी हमारी लगी हुई है। इसकी थिकनेस और लेंथ की बात करें तो देखिए आप कुछ इस तरीके का है और पीछे के साइड से वही सॉकेट जहां से कनेक्ट होगा ये मेन डिवाइस से। उसके बगल में हमारा सीरियल नंबर और इधर जो कटआउट बना है ये हिस्सा फंस के यहाँ पे होगा लॉक। तो चलिए इसे किस तरीके से यहाँ पे अटैच करना है, कनेक्ट करना है, डिटैच करना है, ये सारी चीजें आपको दिखा देता हूँ। तो काफी इजी प्रोसेस है। इस तरीके से आपको यहाँ पे अलाइन करना है और फिर लेफ्ट साइड से यहाँ पे प्रेस करना है। ये देखिए क्लिक के साउंड के साथ ये हो जाता है यहाँ पे लॉक फिक्स। और वापस रिमूव करना है तो यहाँ पे जो छोटी सी बटन आप देख रहे हो इसको प्रेस करना है, ये पॉपअप होके निकल जाएगा। चलिए इस फ्रंट पैनल सेपरेट यूनिट का वेट देख लेते हैं। तो ये देखिए इसका जो भार है 107 ग्राम्स है। चलिए वापस इसे कर देते हैं कनेक्ट एक बार फिर से। आप देखो काफी सिंपल है और मजा आती है इसको लगाने में। अभी इस फ्रंट पैनल को इसमें इंस्टॉल करके देख लेते हैं कंप्लीट वेट इसका कितना आता है। तो ये है आपके सामने 792 ग्राम्स। नेक्स्ट अभी करा देता हूँ फ्रंट पैनल का सारा कुछ ओवरव्यू, क्या क्या बटन है, क्या क्या इसके यूज है। तो सबसे पहले इस छोटी सी बटन का जो हमने यूज किया था वो है फ्रंट पैनल रिलीज बटन। उसके बगल में है ऑन ऑफ और सोर्स बटन। उसके बाद PYT सर्च बटन। उसके बाद मोड एंड रिटर्न बटन। और उसके जस्ट लेफ्ट साइड में है कॉल बटन, ये छोटी सी चीज रिसेप्टर फॉर रिमोट। और उसके जस्ट ऊपर है हमारा कंट्रोल डायल जिससे हम कई सारे काम कर सकते हैं। इससे हम सेलेक्ट रोटेट करके वॉल्यूम कम ज्यादा और यहाँ पे हमारा NFC सिस्टम भी लगा हुआ है। साथ ही साथ ये जो रिंग देख रहे हैं इसमें लाइट होगी ग्लो जो कि काफी कूल लगता है। बगल में मेंशन किया हुआ है पुश टू इंटर मेन्यू एंड वॉल्यूम। यहाँ पे है ब्लूटूथ का लोगो और ये रही हमारी LED डिस्प्ले काफी बड़ी सी। उसके जस्ट ऊपर सोनी की ब्रांडिंग, यहाँ पे ड्यूल ब्लूटूथ कनेक्शन, iPod एंड USB, मॉडल नंबर DSX A416BT। उसके बाद नीचे आ जाते हैं यहाँ पे ढेर सारे बटन जिसके यूज से हम FM का अलग अलग स्टेशन सेट कर सकते हैं और अदर यूज भी इन सारे बटन्स की है। बीच में हमारा एक्स्ट्रा बेस का बटन, ऊपर मेंशन है 55W x 4। इन सारे बटन के बाद यहाँ पे जो होल देख रहे हैं ये है ऑक्स इनपुट। उसके जस्ट राइट टॉप पे हमें मिल जाता है हमारा USB इनपुट जहाँ पे हम पेन ड्राइव लगा के प्ले कर सकते हैं, साथ ही साथ मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एंड प्रीवियस बटन जिसे हम FM
एफएम को सीक कर सकते हैं, साथ ही साथ ट्रैक को भी इसकी भी आप बैक कर सकते हैं। और उसके जस्ट बगल में है डिस्प्ले बटन। तो ये था सारा कुछ फ्रंट पैनल का ओवरव्यू और सारे फीचर्स, कौन सी बटन क्या काम करेगी। अभी चलते हैं बॉक्स के अदर कंटेंट की तरफ, वो सारी चीजें भी आपको दिखा देता हूं। तो यहां पे ब्लू पाउच को सबसे पहले करते हैं कट करके ओपन। इसमें हमारी रिमोट और कुछ अदर चीजें देख लेते हैं। ये देखिए, तो यहां पे एक और ब्लू पाउच है जिसके अंदर कुछ स्क्रूज वगैरह हमें मिले हैं। नेक्स्ट चीज जो है वो है हमारा रिमोट कंट्रोल, कुछ इस तरीके का। और ये है कुछ लोहे के ब्रैकेट्स जो कि इंस्टॉलेशन में काम आएंगे। इसकी अभी जरूरत नहीं है, देख लेते हैं फिलहाल रिमोट को। ओके, तो ये काफी क्यूट सा छोटा सा स्लिम सा रिमोट हमें मिलता है। और अच्छी बात ये है कि इसमें कोई घटिया क्वालिटी का वो चिपटा वाला रिमोट नहीं मिलता जिसमें फ्लैट्स बटन्स होते हैं। तो सारे कुछ कंट्रोल्स बटन इस रिमोट में हमें मिलते हैं जो कि फ्रंट पैनल में थे, साथ ही साथ कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी होंगी। तो ये रिमोट काफी ज्यादा मुझे पसंद आया, काफी ज्यादा यूजफुल ये होने वाला है। और ये रहा वॉल्यूम बटन, काफी सॉफ्ट है प्रेस करने में। नेक्स्ट चीज देख लेते हैं हमारा एक्सटर्नल माइक्रोफोन जो मिला है। ये एक डबल साइडेड टेप भी है और कुछ इस तरीके का हमारा माइक्रोफोन बड़ा सा इसका ये वाला पोर्शन है। और ये देखिए 360 ये रोटेबल भी है, इसको क्लिक करके आप आसानी से कहीं भी सेट कर सकते हैं। और केबल की लेंथ काफी बड़ी है जैसे मैंने बताया था, और कुछ इस तरीके का कनेक्टर इसमें लगा हुआ मिलता है। ओके, तो अभी चलते हैं इसको करते हैं कनेक्ट और उसके बाद करेंगे टेस्टिंग। तो यहाँ पे केबल से मैंने इसे कर दिया है कनेक्ट और ये देखिए एलईडी होने लगी है ग्लो और काफी ज्यादा कूल लग रहा है, देख सकते हैं। शायद आपको उतना अच्छा नहीं दिख रहा हो, रियल लाइफ से काफी ज्यादा अच्छा दिख रहा है इसका जो एलईडी है। और अभी ये डिफॉल्ट मोड पे सेलेक्ट है, कलर्स कंटिन्यू चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे हम सोर्स बटन को प्रेस करते हैं अलग अलग ऑप्शन आपको मिलते हैं, यूएसबी, ऑक्स, बीटी ऑडियो, ट्यूनर वापस आ गए, ये सारे ऑप्शन हमें मिलते हैं, जो चाहे आप उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कंट्रोल डायल का यूज आपको बता देता हूँ। सिंगल टैप करते हैं यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, जनरल, साउंड, डिस्प्ले, ब्लूटूथ, सोनी ऐप। तो जो चीज आपको चाहिए, जिसकी आपको जरूरत हो, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी सोर्स बटन से ही हम इसको पावर ऑफ एंड ऑन भी कर सकते हैं। कैसे करना है, इस बटन को लगातार 2 सेकंड तक प्रेस रखना है और ये टर्न ऑफ हो जाएगा। वापस टर्न ऑन करना है, सिंगल टैप करो, ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट चीज आपको दिखा दूं, ये जो डिवाइस है अभी डिफॉल्ट मोड पे सेट है और इसमें डेमो मोड एक्टिवेटेड है, जिससे कि डिस्प्ले पे कई सारी चीजें कंटिन्यू चल रही हैं। इसको किस तरीके से बंद करना है चलिए आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले अपने कंट्रोल डायल को आपको एक बार प्रेस करना है, जनरल शो करेगा, एक बार फिर टैप करना है, ये देखिए सेट डेमो, फिर टैप करना है, डेमो ऑन है, रोटेट करके इसको ऑफ कर देना है, वापस ओके क्लिक करना है और बैक आ जाना है। तो यहाँ पे डेमो मोड अभी ऑफ हो गया है, जो स्क्रीन पे चीजें प्ले हो रही थी वो अब बंद हो गई है। नेक्स्ट अभी एफएम प्ले करके आपको दिखा देता हूँ, जो कि ट्यूनर के नाम से यहाँ पे सेट है, ये देखिए एफएम। और यहाँ पे सर्चिंग के लिए हमें ये वाली बटन प्रेस करनी है, यहाँ पे सी क्लिक के आएगा और ये चैनल एक आपके लिए पिक करके दे दे। थोड़ा सा वॉल्यूम को बढ़ाते हैं। विजिट करिए, एडमिशन ओपन फॉर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट फार्मेसी। सिग्नल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा पावरफुल और साउंड क्वालिटी जिसकी आप देख रहे हैं क्लियर शार्प आ रही है, थम्स अप। नेक्स्ट स्टेशन के लिए सेम इसी बटन को प्रेस करके आप स्किप कर सकते हैं, जा सकते हैं। अपने हैंड बैगेज में क्या सामान रखें, किस तरह से रखें, चेकिंग बैगेज में क्या सामान रखें, किस तरह से रखें, ताकि। तो साउंड आउटपुट बहुत जबरदस्त लग रहा है, जैसे आपको पता होगा आपने एफएम सुना होगा, जितना अच्छा सिग्नल मिलेगा उतनी अच्छी ऑडियो क्वालिटी आपको मिलेगी और यहाँ पे ऑडियो क्वालिटी कमाल की आ रही है। फिलहाल चैनल अभी ज्यादा कैच नहीं कर रहे हैं जहां पे मैंने इसे अभी सेट किया है, पर ढेर सारी ये चैनल पकड़ लेता है आसानी से। हमारे लोग उस
चीज को बहुत अच्छी तरह से पूरा कर पाएंगे जिम्मेदारी को। जी इसीलिए इस जिम्मेदारी को पूरा करते हैं, वॉल्यूम को और ज्यादा बढ़ाते हैं, देखिए कितना ज्यादा लाउड होता जा रहा है। रेजिंग डे में राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला राजवीर सिंह एडीजी साउथ को। ओके नेक्स्ट चीज अभी आपको दिखा देता हूँ ब्लूटूथ से किस तरीके से कनेक्ट करना है। ये देखिए बीटी ऑडियो, तो अभी फिलहाल मैं एनएफसी के जरिए कनेक्ट करने वाला हूँ। बस आपको करना ये है अपने मोबाइल में एनएफसी ऑन करना है और आगे यहाँ पे जो लोगो है कंट्रोल डायल वहाँ पे टच करना है। तुरंत ये देखिए आपके सामने पॉपअप आ जाएगा कनेक्शन का और ये देखिए ऊपर पेयरिंग रिक्वेस्ट क्लिक कर देना है, पेयर एंड कनेक्ट यहाँ पे कर देना है अलाउ और तुरंत का तुरंत यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा आपका डिवाइस आपके फ़ोन से वाया ब्लूटूथ। ये देखिए सेटिंग में आपको लेके चलो तो यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें ये सपोर्ट करता है। SD ऑडियो डबल AC कोडेक, कमाल की बात है। फ़ोन कॉल सपोर्ट करता है, मीडिया ऑडियो, कॉन्टैक्ट शेयरिंग। नेक्स्ट आपको इसका ऐप भी दिखा देता हूँ, सोनी म्यूजिक सेंटर, कुछ इस तरीके का इंटरफेस है और ये देखिए डिवाइस मेरी कनेक्टेड है मॉडल नेम के साथ। जैसे ही क्लिक करते हैं ढेर सारे ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाते हैं विद लोगोस। सबसे ऊपर है FM ट्यूनर, जैसे ही क्लिक करते हैं फोन के जरिए भी आप सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। क्लिक करते ही यहाँ पे FM ऑन हो गया। नेक्स्ट है USB, ये देखिए ये भी हो गया स्टार्ट। उसके बाद है ऑक्स, साथ ही साथ अपने लाइब्रेरी से भी म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, Amazon म्यूजिक, Spotify, ये सारी चीजों पे भी आपको कंट्रोल मिलता है। नेक्स्ट लास्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन जो कि है सेटिंग्स का, साउंड में चलते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है इक्वलाइजर, जिसमें से बॉलीवुड बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। ढेर सारे यहाँ पे प्री इंस्टॉल्ड EQ मिलते हैं जैसा कि मेंशन था, और कस्टम EQ का भी ऑप्शन है जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है मेरे लिए। उसके बाद है एक्स्ट्रा बेस का ऑप्शन, यहाँ से ही आप सिलेक्ट करके जिस लेवल पे आपको करना है कर सकते हैं। बैलेंस, फेडर एंड सब वूफर लेवल का भी ऑप्शन है। डिस्प्ले के अंदर चलते हैं तो यहाँ पे भी कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, जिनमें से है सबसे ऊपर ब्राइटनेस, फ्रंट पैनल का ब्राइटनेस विद डिस्प्ले ब्राइटनर, दोनों को ही आप घटा बढ़ा सकते हैं। ये देखिए आपके सामने बिल्कुल लाइव काम कर रहा है। उसके बाद है बटन कलर प्रीसेट, जिसमें ढेर सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं, जिस कलर का आपको बटन में कलर यूज करना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद डिस्प्ले कलर प्रीसेट, इसको ये देखिए सेलेक्ट करते ही कलर हो गया चेंज। साथ ही साथ यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था कुछ ऑडियो प्लेयर, स्पॉटिफाई यहाँ से आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं और वो चीज़ आपके डिस्प्ले पे भी दिखेगी। सेम उसी तरीके से Amazon म्यूजिक, जो भी चीज़ें आप यहाँ पे करते हैं, जो चीज़ आपके डिवाइस में इंस्टॉल है वो चीज़ यहाँ पे शो होगी और डायरेक्ट कंट्रोल आपको मिलेगा। नेक्स्ट अगर ब्लूटूथ आपने ऑफ कर दिया, आपका डिवाइस बंद है, रिकनेक्ट करना है, जैसे आप ब्लूटूथ को ऑन करोगे लास्ट डिवाइस पे ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा और BTA मतलब ब्लूटूथ से हो गया है कनेक्ट। नेक्स्ट अभी साउंड टेस्ट को स्टार्ट करते हैं कुछ इस सॉन्ग के साथ। ये है मेरे पास दो स्पीकर जिसको मैंने कनेक्ट कर दिया। कोई हाई फाई स्पीकर अभी मेरे पास नहीं है, पर आपको एक आइडिया लग जाएगा। वॉल्यूम को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, तो वॉल्यूम को कर दिया मैंने 30 पे। ईयरफोन लगा लो और सुनना शुरू कर। तो साउंड आउटपुट ब्लूटूथ के जरिए बहुत ज्यादा क्लीन और कमाल का है, डिस्टॉर्शन बहुत कम देखने को मिल रहा है और ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी रेंज भी काफी अच्छी है मैंने जितना इसे टेस्ट किया है। चलिए अभी एक्स्ट्रा ब्रेस को ऑफ कर देते हैं, ये ऑन था, एक पे सेट था, अभी साउंड क्वालिटी कुछ ऐसी है। फिर से करते हैं इसे ऑन, लेवल 1। करते हैं लेवल 2 पे, आप एंजॉय करो म्यूजिक। नेक्स्ट ट्रैक, क्रिस्टल क्लियर साउंड आउटपुट।
Awesome sound out. अभी मैंने कनेक्ट कर दिया अल्पाइन का कार स्पीकर सिस्टम। इसका अभी इनक्लोजर मैंने तैयार नहीं किया है, फ्यूचर में जैसे ही वो तैयार होता है तो उसके साथ टेस्टिंग वीडियो जरूर आएगा। वॉल्यूम को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं और आप देखो स्पीकर का कोन किस तरीके से मूव हो रहा है। बेस आउटपुट विदाउट इंक्लोजर इस स्पीकर में देख सकते हैं आपके सामने है। इंप्रेसिव। ओके, अभी आपको दिखा देता हूँ इसमें जो फ्रंट के साइड यूएसबी लगा हुआ मिलता है उससे आप अपने मोबाइल फोन को चार्ज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, और इसमें ही आप पेन ड्राइव लगा के म्यूजिक भी प्ले कर सकते हैं। इधर देखिए फोन चार्ज होना शुरू हो गया है। नेक्स्ट चीज, आपको ऑक्स केबल के जरिए साउंड टेस्ट करा देता हूँ। तो ऑक्स केबल कुछ इस तरीके से यहाँ पे इंसर्ट होगी और दूसरा छोर फोन पे कनेक्ट करके अभी सेम म्यूजिक प्ले करता हूँ। तो ऑक्स केबल से जो साउंड आउटपुट है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। यहाँ पे साउंड आउटपुट में कोई भी डिस्टॉर्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, सब कुछ आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर सुनने को मिलेगा। डिफरेंस पता करने के लिए आप वीडियो को पीछे करके और यहाँ पे इस पॉइंट पे लाके चेक कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है ऑक्स इनपुट के जरिए और ब्लूटूथ के जरिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सारा कुछ अनबॉक्सिंग ओवरव्यू साउंड टेस्ट दिखा दिया है। अभी आपको बता देता हूँ मेरा एक्सपीरियंस इस ऑडियो सिस्टम के साथ कैसा रहा। तो मैं इसे 3 महीने से यूज कर रहा हूँ और मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत अच्छा रहा है, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट साउंड आउटपुट वाया ब्लूटूथ कमाल का है, पावरफुल है, और ऑक्स इनपुट के साथ जैसे कि आपने देखा साउंड आउटपुट और ज्यादा निखर के इम्प्रूव होके मिलता है, बिल्कुल डिटेल्ड एंड हाई डेफिनेशन। इसका आरजीबी डिस्प्ले और कलरफुल ग्लोइंग बटन्स इस स्टीरियो सिस्टम को और ज्यादा स्मार्ट और सुंदर बना देते हैं। इसके अलावा इसमें डेडिकेटेड सबवूफर आउटपुट का ऑप्शन मिलता है, एक्सटर्नल माइक्रोफोन का भी ऑप्शन मिलता है, ड्यूल ब्लूटूथ सपोर्ट जिसका रेंज अच्छा है, NFC का भी ऑप्शन मिलता है जिससे कि सेटअप प्रोसेस बहुत ज्यादा सिंपल हो जाता है।
कमियों की बात करें तो इसमें सिर्फ एक कमी है, वो ये है कि इसे घर पे यूज करते टाइम वाया एनी पावर सोर्स अगर लाइट कट हो जाती है 10 सेकंड से ज्यादा तो ये डिवाइस रिसेट हो जाता है। मतलब कि जितना भी सेटिंग आपने किया है, चाहे वो EQ हो, डिस्प्ले कलर सेटिंग हो या फिर FM चैनल सेटअप हो, सब कुछ रिसेट हो जाता है, जो कि इसे होम यूज के लिए मुश्किल बना देता है और सारा कुछ हमें फिर से सेट करना पड़ता है। इसमें सिर्फ यही एक कमी मैंने अभी तक नोटिस की, इसके अलावा इसमें कोई भी और कमी नहीं है। दोस्तों आपको बता दूं, इस कार ऑडियो प्लेयर और कार स्पीकर सिस्टम के साथ मैं एक हाई क्वालिटी होम ऑडियो सिस्टम बिल्ड कर रहा हूं, जिसका वीडियो चैनल पे काम पूरा होते ही आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहना। तो दोस्तों ये था सारा कुछ मेरा रिव्यू सोनी के इस ऑडियो सिस्टम के साथ। शायद आपको पसंद आया होगा, शायद वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करके बताना। इसके साथ साथ अगर ये ऑडियो सिस्टम आपके कार में या फिर आप अपने घर पे यूज करते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस बताना। इसके साथ साथ कोई भी क्वेश्चन स्टिल है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर इस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं तो बाय लिंक हर बार की तरह वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, जाके वहां से प्राइस चेक करो या फिर परचेज कर सकते हो। एक चीज और, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं तो इधर आईडी शो हो रही है, जाके फॉलो कर लेना और मैसेज करना, मैं रिप्लाई करूंगा। तो बस यही था सारा कुछ आपको दिखाना बताना। चलता हूँ, फिर मिलूंगा किसी दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आपको रखना अपना ख्याल। सी यू अगेन, बाय बाय।